देश में कोरोना वायरस की ताजा लहर का एपिसेंटर महाराष्ट्र बनता दिख रहा है। कई दिनों से महाराष्ट्र में 30,000 से अधिक केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस बीच बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने बयान दिया है कि मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। मुंबई में सिर्फ 49 डेज में 91,000 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए हैं। बीएमसी के कमिश्नर के मुताबिक मुंबई में अभी 74,000 मामले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, यानी कोरोना अब एक साइलेंट किलर के रूप में उभरता दिख रहा है जो बिना लक्षणों के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अगर अन्य मामलों की बात करें तो मुंबई में करीब 17,000 लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं। आधे मामलों में लोगों में कोरोना के कुछ लक्षण ही देखे गए हैं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको लेकर बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि उन सभी पर स्टाम्प लगाया जा रहा है। अगर वो सार्वजनिक स्थानों पर मिलते हैं तो उन पर FIR दर्ज की जाएगी। बीएमसी कमिश्नर के मुताबिक मुंबई में 9,900 हॉस्पिटल बेड्स भर चुके हैं, जबकि 4,000 बेड्स की सुविधा इस हफ्ते ऑनलाइन कर दी जाएगी। सरकार लॉकडाउन नहीं चाहती है, अगर लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हालात काबू में आ सकते हैं। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि मुंबई में हमने कम से कम सख्ती को लागू किया है। अभी मुंबई में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या काबू में है। अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है या गाइडलाइंस नहीं मान रहा है, उस पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। मुंबई में ही अब तक सबसे अधिक चालान हुए हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे।